यूपी विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा हो रही है। आज समाजवादी पार्टी कृषि विभाग के बजट पर सरकार को घेरने का काम करेगी। नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। सपा का कहना है कि उनके सरकार के मुकाबले इस सरकार में कृषि का ग्रोथ रेट कम हुआ है। सरकार कहती है कि किसानों की आय बढ़ी है जबकि ग्रोथ रेट कम हुआ है। अगर ग्रोथ रेट कम हुई तो फिर आय कैसे बढ़ गई है? इसी मुद्दे पर सपा विधायक आज सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। यूपी विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी कृषि विभाग के बजट पर सरकार को घेरने का काम करने वाली है। तो अखिलेश यादव कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, आज की खबर है। सपा का कहना है कि उसकी सरकार के मुकाबले इस सरकार में कृषि का ग्रोथ रेट कम हुआ है और सरकार कहती है कि किसानों की आय बढ़ी है जबकि ग्रोथ रेट कम हुआ है। अगर ग्रोथ रेट कम हुई है तो फिर आय कैसे बढ़ गई है? इसी मुद्दे को लेकर आज सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है सपा विधायक। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अखिलेश यादव खुद मौजूद रह सकते हैं पूरी कार्यवाही में और सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। ग्रोथ रेट को लेकर के अब एक बार फिर से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा और सरकार को घेरने की तैयारी। आज फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। बजट सत्र का 12वां दिन है। विभागीय बजट पर आज चर्चा होने जा रही है। होली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ देर रात तक बैठक की है। इसी दौरान सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी पर्व शांतिपूर्वक सभी जितने भी पर्व हैं वो शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि किसी भी हाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए, माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए। ये साफ तौर पर कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। देर रात बैठक हुई है। इस मीटिंग में सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे, पुलिस अधिकारी मौजूद रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सभी सजग रहे, सतर्क रहे, किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रदेश का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। इस बात के साफ संकेत दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। तमाम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को चप्पे चप्पे पर तैनात रहने के लिए कह दिया गया क्योंकि होली का त्यौहार, ऐसे में पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस बात के निर्देश पहले सीएम योगी ने दे दिए। खबर कानपुर से है। इंस्पेक्टर पर युवक की गाड़ी में टक्कर मारने का आरोप लगा है। इंस्पेक्टर ने अपनी कार से युवक की गाड़ी में टक्कर मारी। टक्कर के बाद इंस्पेक्टर और युवक के बीच देर तक बहस भी होती रही। युवक ने ट्रैफिक पुलिस से इंस्पेक्टर का चालान करने को कहा। युवक ने कहा कि इंस्पेक्टर की गाड़ी का चालान होगा तभी गाड़ी आगे जाएगी, आम जनता का चालान होगा तो इंस्पेक्टर साहब भी नहीं बच सकते हैं। युवक से इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी लेकिन युवक ने इंस्पेक्टर से ड्राइविंग लाइसेंस मांगा और काफी विरोध के बाद ट्रैफिक दारोगा ने इंस्पेक्टर की गाड़ी का चालान कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाने पर 500 रुपए का चालान भी काटा गया। कानपुर के कल्याणपुर क्रॉसिंग पर यह पूरा विवाद हुआ था। तो इंस्पेक्टर और युवक के बीच ये विवाद, यहाँ पर युवक की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आम जनता का चालान होता है तो इंस्पेक्टर साहब का भी चालान होगा, ये बच नहीं सकते। युवक ने कहा कि इंस्पेक्टर की गाड़ी का चालान होगा तभी गाड़ी आगे जाएगी। इसके बाद दारोगा की तरफ से ट्रैफिक दारोगा ने चालान किया। मेरे भैया चालान होगी, इनका चालान करिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। चालान करवाओ, चालान आप चालान कराइए और जाइए, मैं नहीं सुनूंगा। कोई व्यवहार नहीं है ऐसा, ये पुलिस लिखा रखा है। आप ये प्राइवेट व्हीकल पर आप पुलिस नहीं लिखा सकते हैं, ये प्राइवेट व्हीकल है, आप इस पर पुलिस लिखा के नहीं घूम सकते हैं। आप या तो दिखाइए हमें कागज की, इसके कागज आपके बने हुए। चालान करोगे? करवाऊंगा, बिना करवाए नहीं जाने दूंगा, अन्यथा मैं करवाई खुद करूंगा। अरे यार भाई मेरे मान जाओ। नहीं आप लोग मानते नहीं, आप लोग मेरी मानते हैं, आप लोग हम लोग मानते हैं, हम लोग को पागल समझ में आते हैं आप लोग। इनका चालान करिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं। चालान करवाओ, चालान आप चालान कराइए और जाइए, मैं नहीं सुनूंगा। कोई व्यवहार नहीं है ऐसा, चालान करवाओ, ये पुलिस दिखा रखा है। आप एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।